दोस्तों, इंडिया ट्रैवल वीडियोस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख शहर औरंगाबाद में। औरंगाबाद शहर और आसपास कई नामी पर्यटन स्थल जैसे कि अजंता, एलोरा, देवगिरी का किला, बीवी का मकबरा, पंचक्की, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और भी कई प्रेक्षणीय स्थल है। वीडियो में हम आपको 90,000 वाली साड़ी भी दिखाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप होटल और कार बुकिंग पर कैसे पैसे बचा सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट जयंत विलादकर और मेरे साथ है अरविंद चौहान। हम आशा करते हैं हमेशा की तरह आज का सफर भी सुहावना रहेगा। मध्यकाल में औरंगाबाद भारतवर्ष में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। औरंगाबाद शहर रोड, रेल, हवाई रास्ते से अच्छी तरह से जुड़ा है। औरंगाबाद का मूल नाम खड़की था। सबसे पहले हम सिद्धार्थ उद्यान गए। अंदर भगवान बुद्ध की मूर्त है। हरियाली और छाव में थोड़ा वक्त बिताने के लिए ये जगह अच्छी है। उद्यान में एक चिड़ियाघर भी है। इस चिड़ियाघर में कई जानवर जैसे हिरण, नीलगाय, तेंदुआ, बाघ, सांप, कछुए और कुछ पंछी भी यहाँ पर रखे हैं। बच्चों के लिए कई अलग अलग राइड्स, स्लाइड्स, झूले, छोटे एक्वेरियम और म्यूजिकल वाटर फाउंटेन भी है। इंडिया ट्रेवल वीडियोस के दर्शकों के लिए ओयो होटल्स पर 15-50% तक की छूट मिल रही है। औरंगाबाद में होटल बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग कीजिए। गार्डन के सामने ही एक ओयो होटल है। पंचक्की, इस पंचक्की का निर्माण सरदार मलिक अंबर ने करवाया था। इस पंचक्की में पानी 6 किलोमीटर की दूरी से मिट्टी के पाइप से आता है। इसके चेंबर में लोहे का पंखा घूमता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग आटे के मिल को चलाने में किया जाता था। इस मिल में तीर्थयात्रियों के लिए अनाज पीसा जाता था। इसी स्थान पर कुंभ नदी के बाएं तट पर बाबा शाह मुसाफिर का मजार है। औरंगजेब बाबा शाह का बहुत आदर करता था। इंडिया ट्रैवल वीडियोस के दर्शक अब जूम कार सस्ते में बुक कर सकते हैं। अगर आप जूम कार बुक करते वक्त ZC04 ट्रैवल इंडिया कोड इस्तेमाल करेंगे तो बुकिंग अमाउंट पर आपको 20% तक या 1400 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज्यादा मत सोचिएगा, अपनी जूम कार लेकर ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर जरूर घूमने आए। उत्तर से आए मुगलों ने और उसके बाद दक्षिण से आए हैदराबाद के निजामों ने अपनी खाद्य परंपरा अपने साथ लाई। यहाँ पर आपको अनेक परंपराओं के संगम से बने व्यंजन खाने को मिल जाते हैं, जैसे कि औरंगाबाद की बिरयानी। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी यानी सन 1956 तक औरंगाबाद हैदराबाद संस्थान का भाग हुआ करता था। अब हम आपको ले चलते हैं रोशन गेट के पास बने श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज पुराण वस्तु संग्रहालय में। इस संग्रहालय में मराठा साम्राज्य के कई शस्त्र, सिक्के, कपड़े और युद्ध में इस्तेमाल में आने वाली चीजें रखी हुई है। औरंगाबाद को भारत के अन्य मध्ययुगीन शहरों से अलग करने वाली चीजों में से एक थे इसके 52 द्वार। प्रत्येक द्वार का एक इतिहास हुआ करता था या फिर कोई व्यक्ति इससे जुड़ी थी। औरंगाबाद को सिटी ऑफ गेट्स के रूप में भी जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना और सबसे बड़ा भटकल गेट है, जो कि निजाम के नौखंडा पैलेस के पास है। औरंगाबाद के पास पैठन शहर पैठनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस साड़ी को बनाने की प्रेरणा अजंता गुफा में की गई चित्रकारी से मिलती थी। पुराना वीविंग स्टाइल है, 2000 साल के बाद भी ये कोई भी मशीन पे नहीं बन सकती। ये जो साड़ी है इसके अंदर कैसा होता है कि सिल्क है और प्योर जरी है, सिल्वर विद गोल्ड प्लेटिंग। रेफरेंस के लिए हम एक डिजाइन पेपर रखते हैं। अच्छा। उसी को जो है एक एक थ्रेड काउंट करके हम हाथ से बाहर थ्रेड्स निकालते हैं और वीविंग करते हैं। ये वाली जो है ये 9000 रुपीज की, बेसिक रेंज जो है वो 8000 रुपीज से स्टार्टिंग। ओके। फ्रंट साइड और रिवर्स साइड आपको सेम कलर दिखेंगे, पीछे से कोई भी लूज थ्रेड नहीं है जी। बाकी कोई भी हैंड वीविंग में ये
पॉसिबल नहीं है। 25,000 रुपीज की साड़ी है। अभी इसके अंदर कैसा होता है कि ना, इसमें बॉर्डर में वर्क ज्यादा है। 60,000 रुपीज साड़ी, इसमें जो है वर्क और बढ़ती जाएगा, इंटीग्रेसी जो है वर्क की बढ़ती जाएगी इसमें। जैसे जो मुनिया वर्क है, फ्लाइंग पैरट, ये जो है ये इसमें थोड़ा डिस्टेंस पे है, इसमें इंटीग्रेटेड वर्क रहेगा। ये वाली जो है दिस इज फॉर 90,000 रुपीज। यहाँ पे आके इनका पूरा गैलरी देख सकते हो, और स्पेशली हैंडमेड पैटर्निंग। अगर आप महाराष्ट्रीयन साड़ी खरीदना चाहते हैं तो यहीं से खरीदिए। अब शाम होने लगी थी, सूरज ढलने से पहले हमें बीबी के मकबरे की ओर पहुंचना था। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह आजम शाह ने किया था। आजम शाह ने उसकी मां दिलरस बानो बेगम की याद में उसे बनवाया था। ताजमहल से तुलना के कारण ही ये उपेक्षा का कारण बना हुआ है। मुगल काल के दौरान ये वास्तु औरंगाबाद शहर का मध्य हुआ करता था। अनुमान किया जाता है कि इसका निर्माण 1651 से 1661 के दौरान हुआ। इस वास्तु के निर्माण के लिए लगने वाले पत्थर जयपुर की खदानों से लाए गए थे। तकनीकी खामियों के कारण और संगमरमर की कमतरता के कारण ये वास्तु कभी भी ताजमहल के बराबर नहीं समझी गई। इसे पश्चिम का ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगाबाद में एक और भवन है जिसे सुनहरी महल कहा जाता है। दौलताबाद किला, इसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। औरंगाबाद शहर हमेशा शक्तिशाली बादशाहों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित हुआ है। यहाँ से पूरे भारत पर शासन किया जा सकता था। इसी कारणवश बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। उसने दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद चलने का आदेश भी दिया था, लेकिन यहाँ की खराब स्थिति तथा आम लोगों की तकलीफों के कारण उसे कुछ वर्षों बाद राजधानी पुनः दिल्ली ले जानी पड़ी थी। दौलताबाद किले पर कई इमारतें हैं, जैसे जामा मस्जिद, बारादरी महल, चांद मीनार, भारत माता मंदिर, भूल भुलैया तथा चीनी महल इनमें शामिल है। खुलताबाद, यहाँ पर मुगल सम्राट औरंगजेब का मकबरा है। जैसा गरीब लोग पुअर में लोग का कबर होता है, वैसा मेरे कबर को बनाने का। 1616 में पैदा हुए थे गुजरात में, 1707 में इनका डाइट हुआ अहमद नगर में, वहाँ से लाके इनको यहाँ बरीड किए। उधर उनके गुरु है जैनुद्दीन चिश्ती, जो मोइनुद्दीन चिश्ती है ना। औरंगजेब का यह मकबरा मूल रूप से बहुत सादगी से बनाया गया था। औरंगजेब ने टोपी बनाकर तथा कुरान की हस्तलिपि तैयार कर पैसे कमाए थे। उसी पैसे से इस मकबरे का निर्माण किया गया था। औरंगजेब के मकबरे के कुछ ही दूरी पर इस बाग में बानी बेगम की समाधि बनी हुई है। ये एक खूबसूरत बाग है जिसका निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के पोते ने अपनी पत्नी बानी बेगम की याद में बनाया था। औरंगाबाद भ्रमण के दौरान अगर आप सुकून का समय बिताना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आ सकते हैं। खुलताबाद से 10 मिनट पर है वेरूर, यानी के एलोरा की गुफाएं। यहाँ का मुख्य आकर्षण है कैलाश मंदिर। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। इसके निर्माण में 40,000 टन भार के पत्थरों को चट्टान से हटाया गया था। ये कृति भारतीय वास्तुशिल्पियों के कौशल का एक अद्भुत नमूना है। यूनेस्को द्वारा ये परिसर विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे विदेशी सैलानी भी आते हैं। दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ खुदी हुई है। हमने कैलाश मंदिर में शिवलिंग का दर्शन भी लिया। एलोरा की गुफाओं में 34 गुफाएं शामिल है। यहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की गुफाएं हैं। ये सहनशीलता की भावना को प्रदर्शित करता है, जो प्राचीन भारत की विशेषता रही है। ऐतिहासिक स्थलों के अलावा आप यहाँ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी देख सकते हैं। आप एलोरा गुफा से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर घृष्णेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये शिव शंकर का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर की पूरी खूबसूरती हम अभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत सा भाग औरंगजेब द्वारा उध्वस्त किया गया था।
यहाँ सैलानियों के साथ साथ श्रद्धालुओं का भी आवागमन लगा रहता है। पद्रा मारुति मंदिर खुलता बाद भगवान श्री हनुमान को समर्पित मंदिर है। ये श्री हनुमान जी की मूरत निद्रा लेने की या लेटी हुई अवस्था में है। बाहर शनि देवता का मंदिर है। पुराने शहर में फैले मस्जिद और दरगाह लगातार उपयोग में आने के कारण आज अच्छी अवस्था में है। इन भवनों में जामा मस्जिद प्रमुख है, जो निजाम और मुगलों के शासनकाल में अपना महत्व रखते थे। औरंगाबाद गुफाएं, छठी और आठवीं शताब्दी के बीच में बनी गुफाएं औरंगाबाद शहर से 9 किलोमीटर के दूरी पर है। औरंगाबाद की गुफा में हीनयान शैली के स्तूप है। बौद्ध कलाकृतियों को दुर्गा और गणेश जैसे देवताओं के साथ दिखाई दिया गया है। अन्य किसी जगह से ये बौद्ध गुफाएं काफी पुरानी है। तो कैसा लगा हमारा आज का सफर, कमेंट्स में हमें बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के उपयोग से आप सस्ते में होटल और कार बुक कर सकते हैं। आखिर में एक क्विज, दौलताबाद किले को किस और नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर वीडियो में छुपा हुआ है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।